नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी हमें सोनपुर के बहुत ही फेमस मंदिर हरिहरनाथ टेम्पल के पास, जो कि पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप सोनपुर या बिहार से हो या पटना से हो तो हरिहरनाथ टेम्पल के बारे में सुने ही होगे और यहाँ पर दर्शन किए ही होगे। हरिहरनाथ मंदिर में भगवान विष्णु और शिव का आराधना किया जाता है। अगर आप इस मंदिर में आए हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हरिहरनाथ मंदिर ही के पास में लगता है सोनपुर का सबसे फेमस मेला सोनपुर मेला। अगर आप सोनपुर मेला घूमे हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाबा हरिहरनाथ शिव मंदिर विश्व का एकमात्र शिव मंदिर है, जिसके आधे भाग पे शिव और दूसरे भाग पे विष्णु की आकृति है। रोजाना बहुत सारे भक्त आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर आपने भी इस मंदिर में दर्शन किया तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मंदिर परिसर चौकोर आकार में बना है, बीच में गर्भगृह है और चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस मंदिर में हम कैसे आए, तो इस मंदिर में आने के लिए सबसे पहले आप सोनपुर रेलवे स्टेशन पे आ जाइएगा। उसके बाद कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेके आप इस मंदिर में आ सकते हो। ये मंदिर हरिहरगंज में लोकेटेड है। और अगर आप पटना सोनपुर हाजीपुर से हो तो आप बाइक से भी आ सकते हो। पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सोनपुर मेला कब लगता है, तो मैं आपको बता दूं, सोनपुर मेला नवंबर से दिसंबर के महीने में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में। और सोनपुर मेला घूमने के लिए बिहार से तो लोग बहुत सारे आते ही, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, कुछ लोग तो बाहर से भी आते हैं सोनपुर मेला घूमने के लिए। दोस्तों अगर आपने सोनपुर मेला घूमा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं भी घूमा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय विष्णु, जय भोलेनाथ, जय महाकाल कमेंट करना ना भूलें। जय बाबा हरिहरनाथ। यहाँ पे देख सकते हो आप, पूजा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं इस मंदिर में पूजा करने के लिए। अगर आप भी इस मंदिर में आए हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।